नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक ने मोस्ट डिफिकल्ट PYQs करके एक सेक्शन लॉन्च किया है। इसमें क्या करना है कि जितने भी PYQ हैं उसमें से जो बेस्ट और जो टफेस्ट क्वेश्चन थे उसको एग्रीगेट कर करके इसने टेस्ट बनाया है, और इसमें काफ़ी शानदार शानदार सवाल है। तो अगर आप अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि अंडर प्रेशर भी ठीक ठाक परफॉर्म करें, तो ऐसे क्वेश्चन का ना प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप मोस्ट डिफिकल्ट PYQs को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम मोस्ट डिफिकल्ट PYQs का जितना भी टेस्ट है उसका सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में टेस्ट वन का सॉल्यूशन देखते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। हो सकता है कि कुछ नया चीज़ भी सीखने को आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि अ मैन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम। जितना भी उसका इनकम है उसका 30% सेव करता है एक साल में। इफ़ ही वॉन्ट्स टू सेव सेम अमाउंट इन 8 months, मतलब एक साल में जितना सेव करता है उतना ही वो 12 month में सेव करना चाहता है, देन हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मंथली सेविंग्स। यहाँ पे जो आपको समझना है कि 30% किसी काम का नहीं है। मेन जो काम का है वो कि 12 महीने में जितना सेव करता था उतना ही 8 month में सेव करना है। आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे, तो देखिए जो सेविंग्स टोटल हो रहा है इसको हम ये बोल सकते हैं कि मंथली वेज एम इंटू नंबर ऑफ मंथ्स एन, यही होगा। अगर मंथली 10,000 कमा रहा है तो फिर 12 महीने में कितना हो जाएगा, 1,20,000। अभी बोला है कि सेविंग्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो भैया अगर सेविंग कांस्टेंट है क्योंकि सेम ही अमाउंट सेव करना है, तो सेविंग्स का वैल्यू मंथली वेज गुना N1 इक्वल टू मंथली वेज M2 गुना N2 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से M1/M2 का जो रेशियो आ रहा है, मंथली वेज का रेशियो, वह N2/N1 करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी N2 क्या है? देखिए M1 है कि पहले मंथली वेज कितना था, M2 बढ़ के कितना हो गया, N2 क्या है, कितने महीने में उसे चाहिए। तो उसे तो चाहिए 8 month में, पहले कितने महीने का था, 12 महीने का, 4 × 8 = 4 = 12। तो ऐसा लग रहा है कि 2 से बढ़ के 3 हो गया है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 2 पे, गुना का 100 आ गया 50%। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, 50%। अगर डायरेक्टली आंसर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, मंथ का रेशियो ले लेंगे, 8 12 × 8, तो 8 नीचे आ गया, 12 इधर आ गया, 2 × 8 2/3 आ गया, 1 इंक्रीज हुआ है 2 पे, तो 50% का इंक्रीमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बोल रहा है कि अ हॉल विथ डिमेंशन 25 मीटर एंड 15 मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाई अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ, जिसका यूनिफॉर्म विथ क्या है, 3.5 मीटर। हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द पाथ कितना होगा ये बताना है। अगर 25.5 पर स्क्वायर मीटर करके खर्चा आ रहा है तो क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि आखिर हम निकाले तो निकाले कैसे। देख लीजिए ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये अपना क्या हो गया है, हॉल। हॉल का लेंथ एल मान लेते हैं, विड्थ को बी मान लेते हैं। ये जो विड्थ है ना पाथ का, इसको डी मान लेते हैं। तो अगर पाथ का एरिया चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए हर एक कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा। अभी स्क्वायर का विड्थ क्या है, सेम है, मीन डी है, लेंथ भी सेम है, डी है, तभी तो स्क्वायर है। तो इन सब का एरिया डी स्क्वायर करके हो जाएगा, बोलेंगे हाँ हो जाएगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर ये जो बाकी का एरिया बचा ना, जो अभी हम ऐसे करके डॉट 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 करके दिखा रहे हैं, इन सब का एरिया क्या होगा। इसका एरिया के लिए लग रहा है कि देखो ऊपर वाला एरिया तो आ जाएगा एल डी, नीचे भी एल डी करके है, साइड वाला क्या आ जाएगा बी डी, इधर भी बी डी है, तो 2 × LD + BD, 2L + B × D। 2 × L + B क्या हो जाता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करना है, डी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल जो एरिया यहाँ से आ रहा है ये आएगा 2 × L + B × D + 4 × D²। ये बात समझ गए, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एरिया हम निकालना जाए तो 25 और 15 कितना होता है, 40, 40 × 80, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 2 × L + B आ रहा है 80, 80 के साथ 3.5 मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस के साथ कितना है, 4 × 3.5 का स्क्वायर। 80 को 3.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 7 = 56, 560, 280 आ रहा है ना, 8 × 5 = 40, 24 × 4 = 28, 280, इसमें आपको 49 ऐड करना है, ऐड करके कितना आ जाएगा, 329। तो एरिया आ गया है 329 मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए,
कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू 329 को मल्टीप्लाई करना होगा 25.5 से। कितना आ रहा है यहाँ से अगर देखा जाए 25.5, सो 329 गुना 51/2। अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 25 नवा 225 और 50 और 12 62 और 75 और 6 81, तो 81 से तो ज़्यादा आ रहा है। सीधी सी बात 25.5 है ना, तो 81 जो आ रहा था उसमें हमें 164 ऐड करना पड़ेगा, तो 82 से ज़्यादा ऐसे ही आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। पी का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है ना। तो पी के वैल्यू को अगर हम और अच्छे से लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखेंगे आप, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो है उसको सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे ही क्यूब का सीन देखें तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर आर में कितना है, आर में देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 times एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कैलकुलेट करते हो जो कैलकुलेट करना है, पी बाई क्यू इंटू आर कर लेते हैं। तो जब हम पी बाई क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, कटपिट के ऊपर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बचेगा, इसके साथ 2 times एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सब कैंसिल वैंसल हो गया, आंसर जो निकल के आया है 2 times एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पे, D इज अ पॉइंट ऑन AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD का वैल्यू दिया है, अच्छा AD का वैल्यू भी दिया है 36 3 12 निकालना क्या AC, आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कैसे आया आइए देखिए, ये आपका ABC ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री है ना, B पे 90 डिग्री हो गया, फिर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे, ये BD हो गया, BD का वैल्यू 6 है, AD का वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे या जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है उसी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो रिलेशन आता है वो क्या है कि BD स्क्वायर का वैल्यू होगा AD गुना DC करके। बहुत ही काम का चीज़ है, रिमेंबर याद रखना है आपको। तो इसका आ गया 36 आ गया 6 का स्क्वायर, AD का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ से DC आ जाएगा, DC जो आ गया है आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर DC 12 सेंटीमीटर है तो हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, AC का वैल्यू कितना हो गया AD प्लस DC, तो 12 प्लस 3 15 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 5 में क्या बोल रहा है कि PRT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, पॉइंट क्या है R, R के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, चलिए कर लेते हैं। PRT फिर SQ डायमीटर जो है वो मीट करता है P पे, SQ डायमीटर है कहाँ पे मीट किया है P पे, QR इज जॉइंटेड नहीं जॉइंट होना चाहिए, QR को ज्वाइन कर दिया, QRP का वैल्यू 28 डिग्री दिया है, QRP ये जो वैल्यू है 28 थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 28 ही ले लेते। हमें क्या चाहिए, हमें SPR चाहिए, ये वाला जो एंगल है ना थीटा क्या होगा, तो कितना आ जाएगा 28 गुना 56 56 90 146, बचा कितना 34। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ रहा है 34 डिग्री आ रहा है। कैसे आया आइए देखिए, एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है जिसके बारे में हमने चैनल पे बहुत बार बात किया है, अगर आप चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो, कि टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसके भी जो एंगल है ना सेम एंगल एक कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं है ध्यान दें, ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल तो सब टेंड करता है। तो अगर इधर 28 डिग्री है तो हमें पता चल गया कि यह वैल्यू भी 28 डिग्री होगा, क्यों, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। और क्वेश्चन में दिया है कि भैया ए जो है ना अपना डायमीटर है, चलो अच्छी बात है, अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे SRQ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अभी अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 28 डिग्री, एक और एंगल है 90 डिग्री प्लस 28 डिग्री, सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। चल
क्वेश्चन में क्या बोला कि वैभव एंड विग्नेश ईच ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर सच दैट स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन विग्नेश। वैभव का स्पीड विग्नेश से ज़्यादा है। सम ऑफ देयर स्पीड इज 91 एंड टोटल टाइम टेकन बाई बोथ इज 3 आवर्स 30 मिनट्स देन स्पीड ऑफ वैभव इज। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो 78 में 13 से कट रहा है, 91 भी 13 से कट रहा है, तो ना हम ऐसे ही टिक मार के जा सकते हैं 52। देखिए आप बिना कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक का टिक मारे तो गलत होने का संभावना है, लेकिन हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो जब ऑप्शन के थ्रू हम जा रहे हैं तो वही चेक करेंगे जो कुछ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी दिखा है, तो 13 का सब मल्टीपल था यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी बात, अगर एक 52 है तो दूसरा कितना आएगा, 39 आ जाएगा। 39 आने से क्या हो गया, दोनों का जो सम है 91 आ रहा है। तो हमने मान लिया कि विग्नेश का जो स्पीड है वो कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड हाँ, तो अगर विग्नेश का स्पीड हमने अज्यूम कर, माफ कीजिएगा, वैभव के स्पीड को हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 52 अज्यूम किया हमने, तो विग्नेश का स्पीड कितना हो जाएगा, बोलेंगे 39 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों जो है इंडिविजुअली 78 किलोमीटर जा रहा है, तो एक तो का 78/52 हो जाएगा, दूसरे का 78/39 हो जाएगा। 39 वाले से तो 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 × 2 = 52, 26 × 3 = 78, 3/2 + 2, इसका मतलब क्या आ गया, 3.5 आवर। क्या 3.5 आवर मैच कर गया, आंसर है कि हाँ मैच कर गया। तो मैच कर गया तो यही आंसर हो गया, तो इसमें कौन सा सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और इसके बाद भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है। अगर उसने 39.9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इस आर्टिकल पे, तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस क्या होगा हमें बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। आइए देख लेते हैं, अगर मार्क्ड प्राइस को हमने 100 अज्यूम किया, 28% डिस्काउंट का मतलब 28 रुपीज़ डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 72। फिर बोलता है कि ना भैया, इसको ना 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो देखने जाएं तो 10 रुपये पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग हो जाएगा 13, क्योंकि इसमें जो 3 है यही आपका क्या है, प्रॉफिट। अभी यहाँ पे क्या है कि सीपी और एसपी में देखने जाए तो सीपी 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 × 18 = 72 / 25 = 100। तो अगर हम एमपी देखने जाए तो कितना आ जाएगा, 250 × 75 = 325, 180 × 54 = 234 और 18 × 180 इतना हो गया। अभी हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको प्रॉफिट जो हुआ है ना 39.9 रुपीज़ का हुआ है, यहाँ पे जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं यूनिट में है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो दिख रहा है कि 54 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और इस 54 यूनिट का वैल्यू कितना है, 39.9। हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस कितना है, 325 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये रफली 6 टाइम्स है, ठीक है, अगर रफली 6 टाइम्स है तो इधर भी रफली 6 टाइम्स होना चाहिए, 40 × 240, तो 240 के आसपास आंसर आ गया, और कोई ऑप्शन पास में है ही नहीं, सही आंसर हो जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 2675 and 2320 लिव्स रिमाइंडर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जब 2675 को आप डिवाइड करोगे उस नंबर से, एन मान लेते हैं, क्वोशेंट कुछ आएगा, साथ में रिमाइंडर 5 बचेगा, यही आप 2320 को जब डिवाइड करोगे एन से तो क्वोशेंट Q2 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा, हम जल्दी में कैसे सॉल्व करना है बता देंगे आपको, 5 इधर जाके कितना हो जाएगा, 2670, ये हो गया NQ1, यहाँ पे 2314 जो है एक ही आ गया आपका NQ2। ऐसा लग रहा है कि N दोनों को डिवाइड कर रहा है, हमें N का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो N जो है बेसिकली ये हो गया HCF ऑफ 2670 एंड 2314, क्योंकि ये मैक्सिमम है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। हमें जो बात समझनी है वो क्या है कि HCF जब आप निकालेंगे A एंड B का, ये HCF किसके बराबर होता है, A माइनस B के,
मतलब नंबर और उसके डिफरेंस के बराबर हो सकते हैं क्या, एस सी एफ के बराबर हो सकते हैं? या फिर आपको समझना है कि इसका जो एच सी एफ है ना, एच सी एफ जो है वो डिवाइड करेगा डिफरेंस को, ठीक है? ये बातें हमें समझनी है। अभी बड़े बड़े नंबर में इसका यूज होता है। अच्छा, इसका लॉजिक भी समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक नंबर है 2670, दूसरा नंबर है 2314। हमें पता है इसका डिफरेंस का जो फैक्टर होगा ना वही एस सी एफ हो सकता है। डिफरेंस क्या होगा इसका, 356 हुआ, 256 नहीं, 356 हो गया। हमें पता है कि जो एच सी एफ होगा ना 356 को डिवाइड करेगा। ऑप्शन में ऐसा देखते हैं जो 356 को डिवाइड करेगा, एक ही ऑप्शन है 178, क्योंकि 178 इंटू टू करने से क्या आ जाएगा, 356। इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए 178। एग्जाम में क्या इतना लिखेंगे, आंसर है नहीं, क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, इसका मतलब 2670 उसको डिवाइड करेगा, या 2670 को वो डिवाइड करेगा। सेकेंड वाले केस में रिमाइंडर कितना है, 4 है, सॉरी 6 है, तो 6 माइनस कर लीजिए, 2314 इसको डिवाइड करेगा, 14 को नंबर डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, हमें इसी का एस सी एफ चाहिए। एस सी एफ के लिए डिफरेंस पे काम करते हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, 356। हमें पता है कि एस सी एफ जो है वो 356 हो गया, इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अभी हमें दिख गया, ऑप्शन में एक ही दिया है 178 जो इसका फैक्टर है, तो उसी को आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर दिया हुआ है 324। तो हमें सेकेंड ईयर के एंड में प्राइस क्या होगा बताना है। बहुत ही सामान्य सा सवाल है, आइए देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली इसका प्राइस पी था, फर्स्ट ईयर के एंड में टी इक्वल टू वन पे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 20% का ना इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो पी को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी इक्वल टू वन फर्स्ट ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में अगर हम पूछें तो बोलेंगे कि देखिए भैया, फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्राइस था इसको एक बार और 6/5 से कर दीजिए, ऐसे करके चलता रहेगा। हमें जो चाहिए वो बोला है कि फोर्थ ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में का जो गैप है यह है 324। कोई बात नहीं, फोर्थ ईयर के एंड में जो होगा प्राइस उसमें 6/5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में एक बार, सेकेंड के दो बार, फोर्थ में 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड ईयर के एंड में इसी 6/5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और इसी का वैल्यू कितना दिया, 324। हालांकि हमें जो क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंड ईयर के एंड में आर्टिकल का प्राइस कितना है, तो P इंटू 6/5 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हमें तो यही चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसमें से P इंटू 6/5 का होल क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 6/5 बचेगा, इधर माइनस का 1 बचेगा, इधर है 324। जो चाहिए उसको रख लेते हैं, P इंटू 6/5 का होल स्क्वायर चाहिए, इसके साथ एक 6/5 होगा और एक 1/5 होगा, वैल्यू है 324। 6 × 25 4×24 25 × 4 100 और 125 और 10 135, 1350 करके आंसर आ गया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि अ कंटेनर हैज़ 30 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम विच 3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, द प्रोसेस इज डन 3 टाइम्स, वाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड द मिल्क इन द कंटेनर। हमें क्या देखना है, देखिए, अच्छा अगर इसका हमें आंसर करना हुआ तो कितना हो जाएगा, 9/10³ तो आ रहा है 729/1000, ये हो गया मिल्क बाय टोटल। हमें क्या चाहिए, वाटर इज टू मिल्क ना, वाटर इज टू मिल्क आ जाएगा 271:729। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। कैसे आया, अभी आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि देखो भाई मेरे, यहाँ पे ना 30 लीटर क्या है, मिल्क है, बोलेंगे ठीक है भैया, इसमें से 3 लीटर निकालो, तो बोलेंगे कि अच्छा 3 लीटर निकाला है 30 लीटर में से, तो क्या हम बोलेंगे कि अभी ना आपने 1/10 निकाल लिया, 1/10 क्या गया है, मिल्क गया है, इसके बाद इसमें ऐड किया गया है 3 लीटर ही,
लेकिन 3 लीटर क्या ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि मिल्क का अमाउंट कितना बचेगा, आप बोलोगे जितना भी मिल्क था उसका 1/10 विदड्रॉ कर लिया गया। अगर 1/10 विदड्रॉ किया गया है तो मिल्क बचेगा जो इनिशियल अमाउंट था उसका 9/10। ध्यान रहे मिल्क कितना बचेगा। अभी आइए सेकंड केस में, सेकंड केस में भी क्या है, 30 लीटर ही है, लेकिन अभी मिल्क प्लस वाटर है, लेकिन है तो 30 लीटर। इसमें से जब हम 3 लीटर निकालेंगे तो लग रहा है कि 1/10 अमाउंट फिर से निकाला हमने। ये 1/10 अमाउंट मिल्क का भी निकलेगा और वाटर का भी निकलेगा, बोलेंगे हाँ। लेकिन फिर से जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐड कर रहे हैं 3 लीटर वाटर ही ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जो 1/10 कमा था फाइनली कुछ एडिशन भी हो रहा है। मिल्क में ऐसा नहीं हुआ, मिल्क 1/10 कमा तो मिल्क बचा कितना, बोलेंगे पहले जो था उसका 9/10 बचेगा, क्योंकि 1/10 तो कम गया। पहले था m इंटू 9/10, एक बार और तो m इंटू 9/10 का होल स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई, यही बात है। तो हमें क्या समझना है कि 3 बार निकाला गया, 3 बार निकाला गया तो 9/10 का पावर 3 हो गया। ये कितना आ गया, 729 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 क्या था, बोलेंगे इनिशियल। ये कितना है लेफ्ट, तो जो इनिशियल अमाउंट था मिल्क का, यही तो सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन का क्वांटिटी का चेंज ही नहीं हुआ है कभी। तो मिल्क इस या वाटर इस टू मिल्क अगर हम आपसे पूछने जाएं कितना होगा, तो 729 लेफ्ट मिल्क है, तो वाटर कितना बचा, तो बनेंगे 271 वाटर बचा, मिल्क कितना है 729। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। जल्दी में अगर आंसर करना है तो देखेंगे कितना लीटर निकाल रहा है, 3, कितना में से निकाल रहा है, 10, 3/10 30, माफ कीजिए 30 में से निकाल रहा है, तो 3/30 1/10 हो गया, 1/10 निकला, 9/10 बचा, 3 बार निकाला है, क्यूब कर दिया, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इसमें बोला है कि 1000 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू अ सिंगल स्फेरिकल बॉल, व्हाट इज द सर्फेस एरिया ऑफ बॉल सो फॉर्म्ड। तो जो सिंगल स्फेरिकल बॉल है 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये होगा 1000 स्मॉल पाई 0.6 क्यूब, 4.3 पाई चला गया, आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 6 क्यूब, तो आर का वैल्यू आ गया है 6। अगर आर का वैल्यू 6 है तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, 4 पाई r² तो आ जाएगा 36 चौके 144, 144 पाई, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखें। ये बोलता है कि sin A + sin B अगर हम लिखने जाएं, ये आएगा 2 टाइम्स sin A + B/2 एंड cos A - B/2। अगर यही आप cos A + cos B लिखने जाएंगे तो ये आता है 2 टाइम्स cos A + B/2 cos A - B/2, ये होगा। आइए क्वेश्चन में, ऊपर है sin 4 + sin 2, तो 2 टाइम्स sin 4 + 2 6, तो 6θ/2, फिर cos 4 - 2 2, तो क्या आ जाएगा 2θ/2। नीचे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos 6θ/2 एंड cos दोनों का डिफरेंस 2θ/2 गया, 2 2 गया। ऊपर क्या आ गया, sin 3θ, नीचे है आपका cos 3θ, रेशियो कितना आ रहा है, tan θ। tan θ बोले तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर, अगर वह 1 मिनट में 600 रिवॉल्यूशन ले रहा है तो हमें इसका स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो स्पीड जो निकालना है हमें किलोमीटर पर आवर, पहले देखिए तो हमें देखना है कि 1 घंटे में कितना जा रहा है। 1 मिनट में 600 रिवॉल्यूशन है तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 60 × 600 रिवॉल्यूशन हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 घंटे में। हर एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, तो बोलेंगे पाई डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई का मतलब 22/7, डी हो गया है 70, तो 7 × 10^2 में 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेंटीमीटर में आ गया,
मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर हो गया, लेकिन किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से और डिवाइड कर दिया, ये हो गया। तो 20 से 20 बाकी 20 से 20, अच्छा 3 ही 0 था ना, यहाँ पे आएगा 20 से 20 चला गया, कितना बन रहा है 132 को 6 से करेंगे तो 66 36 78, 132 को 6 से 6 × 12 = 78 × 79 तो 79.2 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। किधर दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बोलता है कि एक्स एंड वाई जो है एलसीएम एंड एससीएफ है, किसका 165, 297 एंड 495 का, तो हमें एक्स बाई वाई का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सामान्य सी बात है। आइए एससीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, 11 से करेंगे तो कितना जाएगा 15 बार में, तो 3 × 5 × 11, 297 को अगर 11 से करेंगे तो 22, फिर 77 तो 27, 3³ × 11 आ गया, अगर 495 का करने जाए तो कितना आएगा 11 × 44 = 45, सो 3² × 5 × 11, ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक्स जो एच सी एफ है, माफ कीजिएगा एक्स एल सी एम है ना, एल सी एम क्या होता है, सबका मल्टीप्लाई करना है फैक्टर्स में जो भी प्राइम नंबर है विथ हाईएस्ट पावर, 11 का पावर एक ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है एंड 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो हो गया। y जो है क्या है आपका एस सी एफ, एस सी एफ में जो कॉमन है उसका लिस्ट पावर, कॉमन क्या है 11 और एक 3, एक्स बाई वाई कितना आ जाएगा 45 आ गया, 9 × 5, कौन सा आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि 5-डिजिट नंबर 593AB जो है वह 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए। 3, 7 और 11 का जो एल सी एम होगा कितना हो जाएगा 77 × 231, ठीक है, तो ये जो नंबर है अगर ए एंड बी से डिविजिबल है तो ए एंड बी के एल सी एम से भी डिविजिबल होगा, 593 AB आपका 231 से डिविजिबल होगा, एक ही बार में डिवाइड करते हैं, दो बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 462, यहाँ पे आ जाएगा 131 आ गया, 131 के साथ ए बी, अभी हमें 231 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो 131 AB आए, आप बोलोगे ए बी तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, अगर ए बी नहीं पता है तो हम 231 के मल्टीपल में 131 जो इधर का नंबर है उसको मैच करने का कोशिश करेंगे, बाकी जो बच जाएगा ए बी हो जाएगा, ये भी आइडिया ठीक है। तो अगर हम देखें तो 23×25 कितना होता है 115 और 23×6 कितना हो जाएगा 138, 138 तो 131 ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें देखना है कि इसको ना 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 23×25 115, तो अभी अपने पास 115 आया है, ठीक है। अच्छा अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1150 आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 है ये 31 है, मीन्स 16 ऐड करना है, 16 ऐड करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, बोलोगे कि आप 6 बार में कर सकते हो, बोलेंगे कि हाँ 6 बार में करने से कितना हो जाएगा, अगर हम 7 बार में करेंगे तो 23×7 कितना हो जाता है 27×21 161 आ जाता है, 161 आने से गड़बड़ है, आइए देख लेते हैं। अगर हम हाँ जी 16 ऐड करना है तो अगर हम 7 बार में करें तो कितना आ जाएगा 7 × 7 7×21 7 × 14 = 16 आ गया, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं क्योंकि 57 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 231 को सीधे 57 से किया तो ए हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5×6 और 6×5 = 11 और 11×12 = 13, 131 आ गया, अगर 131 आ गया तो बाकी का 2 डिजिट तो ए बी हो गया, हमारा पूरा फोकस था कि इनको मिला के 131 कैसे लाना है, ए का वैल्यू 6 आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 36 − 42 + 49, यहाँ से कितना आएगा माइनस 6 और तो 43, एक मिनट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर कितना है 36,
माइनस का 49 और प्लस का हो गया 42, 36 में से 7 गया 29। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आया है 29 आया है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्वेश्चन नंबर 50, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया जो है एक सॉलिड हेमी स्फीयर का है 16632 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। आइए देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो है ना टी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर ये कितना होता है 3πr², क्योंकि 2πr² कर्व सरफेस एरिया और एक हो गया ऊपर का। 3 × 22/7 × r² का जो वैल्यू है वो है 16632, 22 × 66, 66 × 132, अगर 132 आया तो बचेगा 34, 34 का मतलब 343, तो 66 × 132 था ना, 132 तो 34, 343 तो 161, 16 × 32 माफ कीजिएगा 66 था ना, तो 66 का कितनी बार में चला जाएगा, 6×25 33, 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में देखेंगे तो 66 से आ जाएगा 230, 230 हुआ तो बचा कितना 132, फिर 2 बार में 252 टाइम्स में कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना गया, 252 को देखें 7 से कट रहे 21 36, 36 × 7² आर का वैल्यू आ गया 42। हमें पता चल गया रेडियस कितना है, वॉल्यूम निकालना है, तो जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 2/3πr³ हो जाएगा, 2/3 पाई का वैल्यू है 22/7, आर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 × 42 ना, 14 के क्यूब में से 3 के क्यूब को भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्क्वायर और 7 × 14, हमें पता चल रहा है कि ये जो आंसर है ना वो 9 का मल्टीपल है। बोलेंगे हाँ भाई, तो एक तो ऑप्शन है क्या पूरा कैलकुलेट करो, दूसरा देख लेते हैं 9 के मल्टीपल में कोई है या नहीं है, अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो वही आंसर हो जाएगा। 4 × 5 = 5 = 10 2 = 12 3 = 15 2 = 17 5 × 9 = 10 2 = 12 3 = 15 2 = 17 नहीं होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखें तो 4 × 5 = 2 7 3 = 10 2 = 12 नहीं होगा, 6 × 3 = 9 2 = 11 नहीं होगा, 11 × 2 = 13 3 = 16 1 = 18 2 = 18 यही होगा, 9 का मल्टीपल आंसर आ रहा था, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है उसी को टिक कर देंगे। तो ये छोटा छोटा जो है ना स्टेप अप जंप कर सकते हैं कैलकुलेशन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 24 6 30 32 33, आंसर है 3। कैसे किया आइए देखिए, 1 factorial होता है 1, 2 factorial होगा 2, 3 factorial होगा 2 × 3 आ गया 6, 1 भी जाना होता है, 4 factorial करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 बोलेंगे कि 24। आपके माइंड में चल रहा होगा कहाँ तक जाएगा ये इंसान, कहीं नहीं बस यहीं तक। 5 factorial जब करेंगे आप तो आ जाएगा 24 × 5, क्योंकि 5 factorial को लिखेंगे 5 × 4 factorial, 4 factorial है 24, ये आ गया 120। ऐसे ही 6 factorial करेंगे आ जाएगा 720। हमारा कहना है कि 4 factorial के बाद जो भी आएगा ना इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। अगर इन सब का यूनिट डिजिट 0 हुआ तो आप खुद बताइए क्या इन सब नंबर को ऐड करने पे यूनिट डिजिट चेंज होगा, बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 0 चेंज करने से तो कुछ ऐड करने से चेंज नहीं होता है। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, बोलेंगे कि वही डिसाइड करेगा जिसका खुद का यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। मतलब जो काम का चीज़ है वो 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial + 4 factorial ही है, इसका यूनिट डिजिट इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ दिस, क्योंकि इसके बाद जो भी है ना उसमें क्या रहा है, यूनिट डिजिट 0। तो 1 + 2 + 6 + 24 आ गया कितना, 33, 33 का यूनिट डिजिट क्या है, 3। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 3। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स, ठीक है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस शॉपकीपर को 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इफ इज प्रॉफिट इज 11 whole 1/9% देन वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। आइए देखिए क्या सीन है,
मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का एक से, और डिस्काउंट कितना किया है 20% का। तो इस क्वेश्चन को हम मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के रेशियो से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है जो बहुत ही सामान्य है। मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 20% डिस्काउंट के साथ बेच रहा है इसका मतलब क्या हुआ, 5 के माल को ये 4 में बेच रहा है, तो MP 5 है तो SP कितना हो जाएगा 4, इधर हमने कॉस्ट प्राइस लिख लिया। इससे प्रॉफिट कितना का हुआ, 11 होल 1/9% का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि कॉस्ट, इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10/9। कहने का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 9 है तो इसको जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होना चाहिए कितना का होना चाहिए, 10 का, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा, और 1/9 क्या हो जाएगा, 11 होल 1/9%। अगर यहाँ पे रेशियो देखे, देखिए जो खाली जगह होता है उसको भर देते हैं, 10 के पहले खाली है और 4 के बाद खाली है, क्या आ गया, ये तो 50 आ गया, यहाँ पे आ गया है 40, यहाँ पे आ गया 36। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का है, 4 यूनिट का। इस 4 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। हमें चाहिए एक्स जो कि है कॉस्ट सेलिंग, सॉरी मार्क्ड प्राइस है एक्स, तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। क्वेश्चन का सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि ए इज 1/3 ऑफ बी, बी इज ट्वाइस ऑफ सी, ए बी सी डी। हाँ जी, ए जो है 1/3 ऑफ बी है, मतलब अगर ए 1 है तो बी क्या है, 3 है। चलो बी इज ट्वाइस ऑफ सी, इसका मतलब सी का वैल्यू 3/2 होना चाहिए, एंड डी इज 2/3 ऑफ ए, मतलब डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, क्योंकि डी ए का कितना है, 2/3 है। पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से, तो ये आ जाएगा 6, 18, 9 और 4, इतना हो गया। क्वेश्चन बोला कि इसका एवरेज जो है ना 74/4 है, एवरेज कितना हो जाएगा, 24/9 33, 37/4 है एवरेज, इसी का वैल्यू दिया है 74, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। अगर एक का वैल्यू 8 है तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, 3 का वैल्यू हो जाएगा 24। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 32 प्लस 1/x^32, 8 1/8 माइनस 1/16। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, x^64 माइनस 1/64 बाई x² प्लस 1/x², कैसे, आइए देखिए, एक्स माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस 1/x². इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, है नहीं, तो जब नहीं है तो हम x² प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर भी दिया। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x^4 माइनस 1/x^4, बहुत सही बात, ए x^4 प्लस 1/x^4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, x^8 माइनस 1/x^8, देख रहे हैं, फिर 8 वाला 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनेगा, 16 वाला 16 से मल्टीप्लाई होकर 32 बनेगा, लास्ट में जो होगा अपने पास बचेगा न्यूमरेटर में 32 प्लस 1/x^32, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x^32 माइनस 1/x^32, दोनों मिलके आ जाएगा x^64 माइनस 1/x^64, और आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, रेट ऑफ पेंटिंग इट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 14 रुपीज, टोटल कॉस्ट बताना है CSA को बाहर से क्या करने का, पेंट करने का, CSA के लिए क्या होना चाहिए, πRL होना चाहिए, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर कितना दिया है 30, एल निकालना होगा, एल कैसे निकलेगा, ये है 30, ये है 16, 15 8 होता तो कितना आ जाता 17, तो ये आ गया कितना 34। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 34, ये हो गया पाई आर एल। कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट के लिए ये जो है 22/7 इंटू 30 इंटू 34, इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दुना 14, यहाँ से आ जाएगा 30 दुना 60,
बतील से 1320, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 34 इंटू 2 68, और 34 इंटू 3 कितना हो जाता है 102, 102 और 6 108, और 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, तो 44880, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें कैलकुलेशन था। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि x बी द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7 इट लिव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4। तो क्या होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना सेम है, 5 एंड 2 का डिफरेंस 3 है, 6 एंड 3 का डिफरेंस 3 है, 7 एंड 4 का डिफरेंस क्या 3 है। इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम इसको डिटेल में ही बता देते हैं। अगर नंबर n है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स Q1 आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, बहुत सही बात। फिर अगर हम देखें तो n जो है उसको अगर आपने 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है, माफ़ कीजिएगा, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 2, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 3, और इसी n को जब हमने 7 से डिवाइड किया, Q1 था यहाँ पे, Q2 होगा, Q3, और रिमाइंडर क्या है 4 है। अगर सब में हम n प्लस 3 निकालें तो n प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा 5 Q1 प्लस 3, ऐड करने पे 5 आ जाएगा, मतलब 5 कॉमन हो गया Q1 प्लस 1। यहाँ पे n प्लस 3 कैलकुलेट करें तो 6 कॉमन आके आ जाएगा Q2 प्लस 2, और इधर हम अगर हम n Q2 प्लस 1 और n प्लस 3 करें तो 7 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 3 7 है, ये आ गया Q3 प्लस 1। कहने का मतलब क्या है कि n प्लस 3 जो है ना, किससे किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल भाई, बोलेंगे 5 से, 6 से, 7 से, इसके LCM से भी डिविजिबल होगा, तो फिर LCM कितना हो जाएगा 210। n प्लस 3 210 से डिविजिबल है, मतलब कि n प्लस 3 को हम 210 का मल्टीपल लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ भाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, आइए देखिए कि हमें जो चाहिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 210 से डिविजिबल है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिख लिया 1000, इसको 210 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 बार में 840 आ गया 160। हमें क्या चाहिए कि ऐसा चाहिए कि वो 210 से डिविजिबल हो। अगर इसमें हम 50 और ऐड कर दें तो क्या 210 से डिविजिबल होगा, बोलेंगे हाँ। तो 50 ऐड करने के बाद जो नंबर बचेगा वो बनेगा 1050। इसका मतलब 1050 पहला वो 4 डिजिट का नंबर है जो 210 से डिविजिबल है। तो n प्लस 3 का वैल्यू, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट चाहिए ना, 1050 आ गया, n का वैल्यू आ गया 1047। हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना है, आंसर है नहीं, हमें डिजिट का सम चाहिए, तो 7, 4, 11, 1, 12 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23 में क्या बोल रहा है कि ट्रेन एक्स रनिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, 12 सेकंड में क्रॉस किया। अगर वाई का लेंथ जो है 2/3 ऑफ एक्स का लेंथ है तो हमें एक्स का लेंथ चाहिए, कैसे करेंगे, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब स्पीड को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो वी नेट या वी रिलेटिव आ जाएगा 84 प्लस 52, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना 136 इंटू 5/18, 68 बार में है ना, तो आ गया 340 बटा 9 मीटर पर सेकंड आ गया। इस स्पीड से 12 सेकंड लगता है, तो जो लेंथ है ना 12 सेकंड में, अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो L1 एंड L2 दोनों को क्रॉस कर लेगा, या फिर X एंड Y दोनों के लेंथ को क्रॉस कर लिया, कितना हो जाएगा 340/9 गुना का 12, 3 9 3 4 12, ठीक है, कितना आ रहा है 0 4 4 16 4 3 12 1 13, 1360/3 होना चाहिए, इतना आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ एक्स, मतलब वाई का वैल्यू जो है ना 2/3 ऑफ एक्स है, वाई के प्लेस पे 2/3 ऑफ एक्स पुट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 2/3 ऑफ एक्स इक्वल टू 5x/3, वैल्यू कितना दिया 1360/3, 3 से 3 गया 5, 5 दूना 10,
15, माफ कीजिएगा, 5 7 35, 2, तो आंसर आ गया 272। 272 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 24 में क्या बोला है कि एसिड कंटेन या सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। 20% ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन न्यू सॉल्यूशन। 20% का मतलब क्या हो गया, 4/5, 4×16, 16×45। 16:29 ऑप्शन है, तो यही आंसर हो गया। कैसे, आइए देखिए, ये जो सॉल्यूशन है इसमें है एसिड प्लस वाटर, रेशियो है 4:9 का। एक बात बताइए, इससे निकाला गया 20%, 20% निकाला गया तो 20% एसिड भी चला जाएगा, 20% वाटर भी चला जाएगा, बोलेंगे हाँ भैया। लेकिन बाद में इसमें जो ऐड किया गया ना 20%, सेम ही चीज़ ऐड किया गया, तो वो केवल वाटर ऐड किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि अभी तो सिनेरियो चेंज हो गया, जहाँ पहली बार वाटर 20% कम रहा था, वाटर ऐड करने के बाद अब 20% कमेगा ही नहीं। आप बोलोगे हाँ भाई तो ठीक तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या एसिड के साथ ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि एसिड को तो हमने बस निकाला है, 20% जब निकाला था तो एसिड निकल गया, 20% एसिड निकल गया तो बचा कितना एसिड, बोलेंगे एसिड 80% बचा है। तो एसिड का क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ निकलने के बाद, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो एसिड बाई टोटल है कितना है, 4:5 दिया ना, एसिड बाई टोटल है 4:9 है, ये हो गया। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन एसिड बाई टोटल कितना बचेगा, बोलोगे कि देखो टोटल तो चेंज हुआ नहीं है, तो एसिड बाई टोटल का जो रेशियो है ना, पहले तो 4:9 था, 20% रिमूवल का मतलब हुआ कि 20% का लॉस हुआ है एसिड को, तो पहले 5 एसिड था तो अब 4 बचा है, तो क्या इसका 4:5 कर लेगा, बोलेंगे हाँ। आया कितना, 16:45। अगर एसिड 16 है तो टोटल कितना है, 45, तो एसिड 16 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 29, तो आंसर आ गया 16:29, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 25 में क्या बोला कि 25% जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 60 डेज में। दे स्टार्टेड द वर्क, 10% जो है वो एक्स डेज के बाद छोड़ दिया। इफ द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 80 डेज, देन वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा। एक बात बताइए, 25% अगर 60 डे काम करता, 60 डेज, तो वर्क कम्प्लीट हो जाता, बोलेंगे हाँ। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ दिन के बाद, एक्स डेज के बाद 10 लोग छोड़ दिए, बचा कितना, 15 लोग। 15 लोग अभी कुछ दिन काम किया, ठीक है, और कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, बोलेंगे कंप्लीट होने में टोटल 80 डेज लगा है, बोलेंगे हैं पहले तो इतना नहीं लगा था, बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि जब 10 कम गया ना, तो बाकी दिन बस 15 लोगों ने काम किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से दिन के बाद बाकी का जो बचा ना, 60 माइनस एक्स डेज, माफ कीजिएगा 80 माइनस एक्स डेज जो बचा, इसमें बस 15 लोगों ने काम किया है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर 25 का 25 लोग 60 दिन काम करता तो हो जाता, बोलेंगे कि हाँ भाई हो जाता। फिर 15 लोग बाकी दिन काम किया, बोलेंगे हाँ किया, तो गड़बड़ कहाँ हुआ। हम ये बोलेंगे कि जो 10 लोग हैं ना भैया, उसने 60 माइनस एक्स डेज काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक्स डे तक तो सबने काम किया था, 60 माइनस एक्स डेज में काम नहीं किया। इसके कारण बाकी जो 15 लोग हैं ना, उन लोगों को कितना दिन ज़्यादा काम करना पड़ा, बोले कि 60 में कंप्लीट हो रहा था, 80 में कंप्लीट हो रहा है, 20 डेज ज़्यादा काम करना पड़ा, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 30 आ गया। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर ले कि ये जो 10 लोग काम छोड़ दिया एक्स दिन के बाद, मतलब 60 में कंप्लीट होने वाला काम, तो 60 माइनस एक्स डेज उन लोगों ने काम नहीं किया, इसके बदले जो बाकी 15 लोग हैं वो, जिनका जो काम 60 दिन में कंप्लीट होने वाला था वो 80 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उन्हें 20 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आराम से कर लेंगे। कैसे कि टोटल वर्क जो है ना, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 25 गुना 60, ये कैसे आया, 10 लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, टोटल 25 लोगों ने पहले 10 दिन काम किया है,
फिर 10 लोग छोड़ दिया, 25 लोगों ने 1 दिन टोटल काम किए, फिर 10 लोगों ने छोड़ दिया, बचा कितना, 15 लोग बचे। ये 15 लोग कितना दिन काम करेंगे, तो बोलेंगे कि टोटल 80 डेज था, तो 80 - 6 डेज काम करेंगे। बोलेंगे कि बहुत सही भाई, अभी यहाँ से देख लीजिए, तो ये आ गया 25 × 60 = 15 × 80, और माइनस कितना आ जाएगा, 15 और 25, तो 10x गया गया गया। तो यहाँ से अगर आप x देखेंगे तो कितना आ गया, 150 - 120 आ गया है 30, x का वैल्यू आ गया 30। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपने ये जो मोस्ट डिफिकल्ट PYQ सीरीज है, इसका जो सॉल्यूशन सीरीज है, इसको आपने एंजॉय किया होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको सीखने को भी मिली हो, या फिर कोई शॉर्ट अप्रोच का थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो अगर आपको किसी भी तरह से इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, लाइक कमेंट और अपने सुझाव देते रहें, क्योंकि आपका ये जो इनपुट है, ये मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मोस्ट डिफिकल्ट PYQ टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।